नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भद्र महापुरुष नामक योग के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली में पांच महापुरुष योग होते हैं जो पांच मुख्य ग्रह से बनते हैं। इन्हीं प्रधान ग्रहों में से एक ग्रह बुध है, जो यदि महापुरुष योग बनाए तो इस महापुरुष योग का नाम हम करते हैं भद्र महापुरुष योग। ये भद्र महापुरुष योग कब बनेगा और इसका परिणाम क्या होगा, आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा बुध की स्थिति। बुध ग्रह जो है वो कुंडली में कहां पर है। बुध यदि केंद्र में हो, सबसे पहली कंडीशन है बुध को होना चाहिए केंद्र में। अब केंद्र चार भाव होते हैं, पहला, चौथा, सातवां और बारहवां, सातवां और दसवां। तो ये जो चार भाव हैं, इन चार स्थानों में यदि कभी भी आपकी कुंडली में बुध हो तो भद्र नाम महापुरुष योग बन सकता है। लेकिन इसके लिए उसे बाकी कंडीशन भी पूरी करनी होगी, बाकी उसकी जो शर्तें हैं वह भी पूरी होनी चाहिए। वो शर्त क्या है? केंद्र में होना चाहिए। केंद्र में होने के साथ वो या तो स्वराशि का या उच्च का होना चाहिए। अब स्वराशि में क्या है? स्वराशि में है मिथुन और कन्या, तीन और छह, और उच्च में क्या है? कन्या राशि। तो यदि मिथुन राशि में बुध हो या कन्या राशि में बुध हो और केंद्र में भी हो तो वह भद्र नामक महापुरुष योग बनाएगा। भद्र नामक महापुरुष योग का बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। लेकिन क्या ये सभी अच्छे परिणाम दिखाई देंगे? इसमें भी आप देखेंगे तो दो कंडीशंस होंगी कि कब ये ग्रह अपने फल दिखाई देगा। एक तो इसे बलि होना चाहिए। तो अगर ये सब दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं, अब आपको ध्यान देना है, ये बलि होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। बलवान होने के लिए तीन मुख्य चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज कि वह जो बुध है, बुध डिग्री वाइज बलाबल कैसा है, उसका अंशगत जो क्षमताएं हैं उसकी वो देखनी है। यदि बुध 15 अंश का कुंडली में है, मध्य में है बिल्कुल कुंडली के, तो बहुत बलवान होगा। यदि वो बिल्कुल 0 डिग्री पर है या वो 29-30 डिग्री पर है तो यहाँ आप देखेंगे उसमें बल जो है उतना नहीं होता है। तो भद्र महापुरुष योग बनने के बाद भी परिणाम उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा। एक तो बल हो गया, डिग्री वाइज बलाबल पर ध्यान दे लेंगे। फिर दूसरा कि उसे कौन देख रहा है। यदि बहुत सारे पापग्रह देख रहे हैं तो ग्रह कमजोर हो जाएगा, बलाबल घटेगा उसका बल। और यदि बहुत सारे शुभ ग्रह उसे देख रहे हैं तो उसका बल बढ़ जाएगा। इसी तरह से तीसरी चीज हम देखते हैं युति, कौन उसके साथ बैठा है। यदि उसके साथ बैठने वाले शुभ ग्रह मित्र ग्रह हैं तो उसे बलवान करेंगे, और यदि शत्रु ग्रह या पाप ग्रह बहुत सारे उसके साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो वो उसे कमजोर करेंगे। अब ये सब विचार कर लेने के बाद आपको देखना है कि भद्र महापुरुष योग में फल देने की क्षमता कितनी है। अब यदि ये सब ठीक ठाक है कि बुध केंद्र में है, सबसे पहली बात आपने देखा, हाँ केंद्र में है, फिर वो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में है, आपने ये भी पाया कि हाँ ये केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि में है, तो तीसरी स्थिति आपने देखी कि क्या वो बलवान है, आपको पता चला कि वो बलवान भी है, तो ऐसी स्थिति में वह अपना बहुत शुभ फल देगा। अब बुध के लिए ये स्थिति चार कंडीशन में बन सकती है। मिथुन लग्न में भी वो केंद्र में होगा, कन्या लग्न में भी होगा, धनु लग्न में भी होगा और मीन लग्न में भी होगा। इन सभी लग्नों में वो केंद्र में रहता है। अब यदि वो केंद्र में हो और मिथुन और कन्या राशि में से किसी एक में बुध बैठा हो, या तो वो मिथुन राशि में हो या वो कन्या राशि में हो, लग्न कोई भी हो सकता है, मिथुन भी हो सकता है, कन्या भी हो सकता है, धनु भी हो सकता है और मीन राशि हो सकती है, इन चारों लग्न में बुध केंद्र में आ सकता है यदि वो मिथुन या कन्या राशि में होगा, तो भद्र नामक महापुरुष योग बनेगा। अब यहां भी आप देखिएगा, जितना बुध का बल कन्या लग्न में होगा उतना मिथुन में नहीं होगा,
जितना मिथुन में होगा उतना मीन में नहीं होगा, और उससे भी कम धनु में होगा। तो आप यहाँ महसूस करेंगे कि ये दोनों लग्नों में बुध के पास उतना बल नहीं होता, क्योंकि वह केवल सातवें और दसवें भाव का या चौथे और सातवें भाव का मालिक होगा, इससे वह केंद्राधिपति दोष का शिकार हो जाएगा, तो वह शुभ फल थोड़ा कम कर देगा, तो यहाँ ये फल कम आएगा। जबकि मिथुन और कन्या लग्न की यदि जातक है कि आपके लग्न में या तो यहाँ तीन है या यहाँ पर छः है, तो फिर यहाँ बुध है और या यहाँ पर बुध है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अगर यहाँ कन्या लग्न होगा तो यहाँ मिथुन राशि में बुध हो सकता है, कन्या राशि में बुध हो सकता है, यहाँ मिथुन होने पर यहाँ और यहाँ बुध होगा, तो ये जो दो लग्न होंगे मिथुन और कन्या लग्न, यदि इनमें भद्र नाम महापुरुष योग बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा फल देगा। अब भद्र महापुरुष में होगा क्या? बुध बौद्धिक क्षमता का कारक है। यदि बुध बहुत बलशाली है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला होगा, उसकी वाणी में प्रभाव बहुत होगा। बुध वाणी का कारक होता है, बुध बातचीत का कारक होता है, वार्तालाप में एक्सपर्ट बनाता है। तो ऐसा बोलने में व्यक्ति बहुत प्रवीण होगा, बहुत अच्छी बातचीत करने होगा, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, तो बुद्धि के संबंध जो भी कार्य हैं उनमें प्रसिद्ध हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो बुध व्यापारी होता है, व्यापारिक क्षमताएं कमाल की होती है, बुध में वाणिज्यिक समझ जो है वो बहुत कमाल की होती है। तो ऐसा व्यक्ति इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझता है और बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे डेवलप करना है, ये जो उसकी क्षमताएं हैं बहुत कमाल की होती हैं। तो आमतौर पर देखा गया सफल व्यापारियों में भद्र महापुरुष योग देखा जा रहा है। तो भद्र महापुरुष योग जहां व्यापारिक क्षमताओं को अच्छा करता है, वहीं साथ साथ आप देखते हैं कि वो बातचीत और बौद्धिक क्षमताएं अच्छी करता है। ऐसा व्यक्ति यदि गणित में है तो वहां भी बहुत अच्छा करता है, यदि ऐसा व्यक्ति कॉमर्स रिलेटेड किसी भी विभाग में काम कर रहा है तो वहां बहुत अच्छा करता है, ऐसा व्यक्ति यदि लेखन के कार्यों में है, बौद्धिक कार्यों में, काव्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां, लेखन के कार्यों में, लिखने के काम में किसी भी तरह का है तो वहाँ भी वो फायदा करता है। हालांकि वह उसे राइटर स्किल जो है वो काव्य शैली में जो है ना, काव्य शैली के लिए आपको शुक्र और चंद्रमा बहुत अच्छे चाहिए, अकेले बुध से काम नहीं चलेगा। वाणी के संबंध में बहुत अच्छा होता है। यदि ऐसा व्यक्ति संगीत में है तो संगीत में भी बहुत अच्छी सफलता ऐसा व्यक्ति पा लेता है। तो बुध के संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, और यदि उसका कार्य क्षेत्र भी बुध का है तो बहुत अधिक प्रसिद्ध होता है। तो अगर आपकी कुंडली में भद्र महा नाम का महापुरुष योग है तो ऐसी स्थिति में आपको विचार करना चाहिए, यदि आपके बुध के कामों में दक्ष हैं तो आप उसी कार्यों में आपको आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा सफलता वहाँ मिलने के चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद है आप भद्र महापुरुष को ठीक से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।